हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NIACL एंड NICL। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। NIACL का फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और NICL का फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। NIACL का हेडक्वार्टर बम्बई में है और NICL का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। मतलब नेशनल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और न्यू इंडिया एश्योरेंस का हेडक्वार्टर बम्बई में है। और दोनों का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब दोनों भी कंपनीज काफ़ी अलग ढंग से परफॉर्म कर रही है। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू कंपनीज। न्यू इंडिया एश्योरेंस प्रॉफिट में चल रही है और उसका प्रॉफिट है ये। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉस में चल रही है, उसका लॉस है ये। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की भी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और काफ़ी कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि NIACL या फिर NICL जो भी है, ये प्राइवेटाइज होने वाली है। बट प्राइवेटाइजेशन का खतरा NIACL, मतलब जो जिसका अभी फॉर्म निकला है, मतलब NIACL AO का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 16 अक्टूबर को, वो प्राइवेटाइजेशन का खतरा उस पर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया, वो प्रॉफिट में चल रही है, अराउंड 1000 करोड़ प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इसका है। और जो प्राइवेटाइजेशन का खतरा है वो बेसिकली NICL पे है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो कलकत्ता में बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। मैंने आपको अभी उसका लॉस बताया है। तो ये जो है, ये दोनों भी कंपनीज का डिफरेंस है, ये आप समझ लो। क्योंकि काफ़ी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि लोग इन दोनों को भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, इन दोनों को भी, तो दोनों में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो बस ये वीडियो मैंने उसके लिए ही बनाया है कि आपको इन दोनों कंपनीज में का डिफरेंस समझ में आ जाए। थैंक्स।